हे गाइस, स्वागत है आपका आज के मैच में। तो सीएसके का सातवां मैच हो रहा है दिल्ली के साथ। तो सीएसके अपने पिछले लगातार 6 मैच जीतते हुए आ रही है और यहां पर दिल्ली ने मात्र एक मैच जीता है आईपीएल में। और ये मैच हमें टॉप 4 टीमें देगा जो क्वालिफाई करेंगी आगे खेलने के लिए। तो यहां पर चेन्नई ने टॉस जीता है, वो पहले बैटिंग करने का फैसला लिया। तो यहाँ पर रबाडा डालेंगे पहला ओवर और फाव डु प्लेसी करेंगे कगिसो रबाडा का सामना। तो पहली बॉल रबाडा की आती हुई और पहली बॉल को खेलने में असमर्थ हुए, यहाँ पर काफ़ी जल्दी टाइमिंग कर बैठे। दूसरी बॉल रबाडा की और कदमों का इस्तेमाल किया यहाँ पर फाव डु प्लेसी ने। तो फाव डु प्लेसी कहाँ रुकने वाले थे, पहली फिर दूसरी बॉल पर अटैक करते हुए क्रिस वोक्स आए हैं, वॉटसन को बॉल डालेंगे और यहाँ पर एक और बेहतरीन शॉट देखने को मिलता हुआ मिलेगा चौका ऑफ साइड की तरफ। तो दोनों ओपनर्स ने अपने हाथ खोल लिए हैं और यहाँ पर काफ़ी दिनों के बाद हमें अपना फेवरेट शॉट देखने को मिलता हुआ। तो यहाँ पर शेन वॉटसन के बल्ले से निकला चौका, रबाडा दूसरा ओवर लेकर आते हुए और यहाँ पर फील्डर के ऊपर से बॉल जाएगी 4 रन के लिए। तो रबाडा की धुलाई तो नहीं हुई है, लास्ट बॉल आती हुई और यहाँ पर एक और बड़ा शॉट। तो यहाँ पर बहुत बड़ा छक्का यहाँ पर रबाडा की लास्ट बॉल पर आता हुआ, अक्षर पटेल आए हैं और स्पिनर्स का क्या हाल करते हैं यहाँ पर। ये यहाँ पर पहली ही बॉल पर दिखाया है फाव डु प्लेसी ने, दूसरी बॉल अक्षर पटेल की और यहाँ पर बॉल फील्डर के ऊपर से जाएगी बॉल 4 रन के लिए। तो दोनों ओपनर सेट हो चुके हैं, अक्षर पटेल की तीसरी बॉल और यहाँ पर किया है कदमों का इस्तेमाल, बॉल को मिलेंगे 4 रन। तो यहाँ पर चौकों की झड़ी लगती हुई चौथी बॉल आती हुई और उसी दिशा में जाएगी उसी शॉट को, सेम शॉट यहाँ पर और मिलेगा चौका यहाँ पर। तो फाव डु प्लेसी अक्षर पटेल की बेहतरीन धुलाई करते हुए 22 बॉलों में 51 रन की पार्टनरशिप दोनों बल्लेबाजों के बीच में। अमित मिश्रा आए हैं और यहाँ पर बॉल जाएगी 4 रन के लिए। तो इस शॉट को आप जितना लेट खेलोगे उतना ही अच्छा रहेगा, रन तभी मिलेंगे। कदमों का इस्तेमाल फिर से मिलेंगे 4 रन। तो अमित मिश्रा और अक्षर पटेल काफ़ी महंगे साबित हुए हैं यहाँ पर दिल्ली के लिए। यहाँ पर किया है स्टाइल से 6 रन लगाकर अपना अर्धशतक फाव डु प्लेसी ने। तो जैसा कि मैं आपको बताया है कि वो ओपनर्स काफ़ी दिनों से फॉर्म में हैं, तो यहाँ पर एक बड़ी पार्टनरशिप बनाने की ट्राई करेंगे। 50 की बनाई यहाँ पर फाव डु प्लेसी ने और 50 के बाद चौका लगाया है अमित मिश्रा की बॉल पर, दूसरा ओवर यहाँ पर। अब की बार किया है स्वीप एज लगेगा और मिलेंगे 4 रन यहाँ पर। तो लकी साबित हुए यहाँ पर फाव डु प्लेसी और यहाँ पर मौसम में थोड़ा बदलाव आता हुआ। अब की बार शेन वॉटसन ने किया है कदमों का इस्तेमाल, मिलेगा चौका यहाँ पर और 100 रन की पार्टनरशिप होती हुई दोनों बल्लेबाजों के बीच में। 45 बॉलों में 102 रन कमाल की साझेदारी यहाँ पर देखने को मिलती हुई और अब की बार शेन वॉटसन के बल्ले से एज लगा है, एज नहीं कहेंगे, फाइन टाइमिंग है यहाँ पर और मिलेगा चौका यहाँ पर। तो फाव डु प्लेसी खेलेंगे ईशांत शर्मा को और यहाँ पर किया है लेग साइड की तरफ, मिलेगा चौका, ईशांत शर्मा आए हैं लास्ट ओवर डालने। फाव डु प्लेसी खेलेंगे ईशांत शर्मा को और एक बार खराब टाइमिंग हुई है लेकिन मिलेगा चौका यहाँ पर, फील्डर पहुँच नहीं पाएगा, बॉल जाएगी धीरे धीरे 4 रन के लिए। ईशांत शर्मा तीसरी बॉल आती हुई, कदमों का इस्तेमाल, क्या मिलेगा चौका, तो जी हाँ स्ट्रेट फोर यहाँ पर देखने को मिलता हुआ। ईशांत शर्मा की चौथी बॉल, अब तक काफ़ी धुलाई हो चुकी है, कदमों का किया इस्तेमाल लेकिन अब की बार खराब टाइमिंग और यहाँ पर विकेट गिरता हुआ। फाव डु प्लेसी बेहतरीन स्कोर कर आउट होते हुए 80 रन बनाए मात्र 33 बॉल में। तो बढ़िया पारी यहाँ पर फाव डु प्लेसी के बल्ले से और यहाँ पर मिलेगा चौका, तो फील्डर के ऊपर से बॉल जाएगी 4 रन के लिए। तो खराब टाइमिंग थी यहाँ पर, तो लास्ट बॉल आते हुए 50 रन कराने की कोशिश करेंगे, चौके से क्या मिलने वाला है, तो 2 रन ले लेंगे आसानी से। तो यहाँ पर शेन वॉटसन की 50 होती हुई, सेलिब्रेशन कर नहीं पाएंगे क्योंकि लास्ट बॉल थी। तो पहली इनिंग समाप्त हुई यहाँ पर और इसी के साथ बारिश भी आती हुई। तो मैच यहाँ पर 6 ओवरों का होता हुआ, 89 रन का टारगेट, बड़ा टारगेट यहाँ पर। तो 10 ओवरों में 139 का स्कोर खड़ा किया है चेन्नई ने लेकिन मात्र 6
ओवरों में 89 रन का टारगेट यहाँ पर दिल्ली के लिए, तो बड़ा टारगेट है ये। पहली बॉल आती हुई ड्वेन ब्राव की, तो यहाँ पर पहली बॉल पर तो डिफेंस हुआ है, तो बढ़िया बॉल भी थी इमरान ताहिर। और पृथ्वी शो ने लगाया है छक्का पहली बॉल पर, ताहिर की पहली बॉल पर 6 रन आते हुए, बढ़िया बॉल है। लेकिन बढ़िया बॉल को भेजा पीछे की तरफ 4 रन के लिए, तो पृथ्वी शो ने अपने हाथ खोले हैं। और ये एक खराब बॉल और यहाँ पर मिलेगा चौका, तो पृथ्वी शो संभालते हुए दिल्ली को, ड्वेन ब्राव अभी तक बढ़िया, लेकिन यहाँ पर मिलेगा चौका, तो बढ़िया बॉलिंग कर रहे थे अभी तक, लेकिन पृथ्वी शो नहीं, धवन करेंगे अब की बार। और एक और बड़ा शॉट यहाँ पर, तो धवन के बल्ले से निकलता हुआ छक्का ड्वेन ब्राव के ओवर की लास्ट बॉल, तो यहाँ पर एक बढ़िया ओवर को खराब ओवर में तब्दील कर दिया है शिखर धवन ने, 3 बड़े शॉट लगाकर ताहिर आते हुए। पहला ओवर खराब था, लेकिन अब की बार नीचे फील्डर मिलेगा और विकेट गिरता हो, तो जो पृथ्वी शो लगे हुए थे दिल्ली को संभालने में, तो पहला विकेट यहाँ पर इमरान ताहिर ने सीएसके के लिए निकाला। पृथ्वी शो आउट होकर जाते हुए 22 रन बनाए मात्र 13 बॉलों में। इमरान ताहिर की नेक्स्ट बॉल धवन को, धवन ने उड़ाया है और मिलेगा 6 रन, तो एक बड़ा शॉट यहाँ पर धवन ने खेला है श्रेयस अय्यर आए हैं, और यहाँ पर श्रेयस अय्यर ने उड़ाया है, क्या फील्डर नीचे हुआ, तो जी हाँ एक और विकेट यहाँ पर, तो इमरान ताहिर ने अपने एक ओवर में 2 विकेट निकाल लिए हैं, लेकिन महंगे ज़रूर साबित हुए हैं, लेकिन यहाँ पर विकेट निकालना ज़रूरी है। 12 बॉलों में 36 रन धवन खेलेंगे, शॉट को उड़ाया है, क्या नीचे फील्डर होंगे, तो जी हाँ एक और विकेट यहाँ पर, तो जडेजा ने आते ही विकेट निकाल लिया है शिखर धवन का, जो खतरनाक हो सकते थे आगे चलकर सीएसके के लिए। 24 रन बनाए यहाँ पर शिखर धवन ने, रविंद्र जडेजा की एक और बॉल सिमरन हेटमायर को, और हेटमायर ने लगाया है पहली बॉल पर 6 रन, तो खाता खोला है यहाँ पर स्टाइल से। और एक और शॉट उड़ाने की कोशिश, क्या फील्डर पहुंच पाएंगे, तो जी हाँ एक कमाल की डाइव और विकेट मिलता हुआ यहाँ पर, तो सिमरन हेटमायर भी आउट होकर जाते हुए, लगातार दिल्ली के विकेट गिरते हुए, तो सीएसके एक बड़ी लीड में यहाँ पर, तो जडेजा ने बढ़िया काम किया यहाँ पर। ताहिर की भी तारीफ करनी होगी, भले ही ताहिर ने रन ज़्यादा दिए हैं, तो 7 बॉलों में चाहिए 28 रन, बढ़िया बॉल है, लेकिन यहाँ पर पैडल स्वीप और 4 रन के लिए बॉल जाएगी फील्डर के ऊपर से, फील्डर रोक नहीं पाएगा, आसपास भी नहीं है कहीं, तो अब 6 बॉलों में चाहिए 24 रन, बढ़िया बॉल हरभजन सिंह की, लेकिन बढ़िया बॉल पर यहाँ पर पंत ने घसीटा है बॉल को और जाएगी 6 रन के लिए, फुल टॉस बनाया बॉल को और भेजा 4 रन के लिए, तो 5 बॉलों में चाहिए 18 रन, हरभजन सिंह डालेंगे बॉल। और एक और बड़ा शॉट यहाँ पर ऋषभ पंत के बल्ले से निकलता हुआ, तो यहाँ पर हरभजन सिंह की खतरनाक पिटाई होती हुई, एक बार फिर से शॉट को उड़ाया है, लेकिन 2 रन ले लेंगे आसानी से, तो हरभजन सिंह काफ़ी महंगे साबित होते हुए, तो अब 3 बॉलों में चाहिए 10 रन, एक बार फिर से उड़ाया है यहाँ पर ऋषभ पंत ने, लेकिन अब की बार फील्डर नीचे होंगे और विकेट जाएगा यहाँ पर, तो हरभजन सिंह काफ़ी पिटने के बाद फाइनली एक विकेट निकालते हुए, तो दिल्ली को लगता हुआ एक और बड़ा झटका यहाँ पर, तो लास्ट 2 बॉलों में चाहिए 10 रन, इस बॉल पे हो जाएगा फैसला। एक बार फिर से उड़ाया है अक्षर पटेल ने और एक और विकेट यहाँ पर गिरता हुआ, तो हरभजन सिंह ने लगातार 2 विकेट निकाल लिए हैं यहाँ पर, हैट्रिक चांस है, लेकिन यहाँ पर हैट्रिक चांस मैटर नहीं करता, मैटर करता है यहाँ पर सीएसके का जीतना, तो अब फिक्स हो चुका है कि चेन्नई जीतती हुई इस मैच में, लास्ट बॉल में चाहिए 4 रन, क्रिस वॉक्स करेंगे सामना, बढ़िया बॉल को भेजा है 4 रन के लिए, उसके बावजूद यहाँ पर सीएसके मैच को जीतते हुए, तो यहाँ पर 5 रन से चेन्नई ने जीता है ये मुकाबला। तो अब आपको दिखाते हैं आईपीएल का पॉइंट टेबल, तो उसमें काफ़ी चेंजेस हुआ है, अगर बात करें आईपीएल पॉइंट टेबल की, तो यहाँ पर चेन्नई और पंजाब नो डाउट क्वालिफाई कर चुके थे, लेकिन यहाँ पर नंबर 3 और 4 पर एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता हुआ, राजस्थान और बेंगलोर आ चुके हैं नंबर 3 और 4 पर, मुंबई और हैदराबाद डाउन होते हुए, तो यहाँ पर बड़ा ही रोमांचक तथ्य देखने को मिलता हुआ, क्योंकि ऐसी उम्मीद किसी ने नहीं की थी कि ऐसा भी होगा। तो मैंने स्टार्टिंग से कहा आपको कि आईपीएल में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, और ये 2 टीमें क्वालिफाई कर कर ये बात बता चुकी हैं। तो भाई लोग, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो अपना
एक लाइक वीडियो को अवश्य दें। ऐसे और वीडियो देखने के लिए चैनल को करें सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आपसे क्वालिफायर मैच में।